दोस्तों, आपने अभी तक कई खतरनाक नजारों को देखा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा नजारा दिखाएंगे जिसमें एक खूंखार शेर एक शाकाहारी जानवर से मात खा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिप्पो भले ही एक शाकाहारी जानवर है, लेकिन उसके भारी आकार की वजह से अक्सर वह दूसरे जानवरों के लिए काफी खतरनाक साबित होता है। फिर चाहे वो जानवर कोई भी हो, हिप्पो एक ऐसा जानवर है जो अक्सर कीचड़ में रहना पसंद करता है और भोजन करने के समय ही बाहर निकलता है। हालांकि यहाँ पर इन शेरों को देखकर ये हिप्पो उनके पास चला आता है और फिर इधर उधर चक्कर लगाने लगता है। लेकिन इसकी हरकतों को देखकर ऐसा लगता है कि आगे जरूर कुछ घटना घटने वाली है। जी हाँ, जिस बात का डर था, हुआ भी कुछ ऐसा ही। खूंखार शेर अपने आप को अधिक समय तक नहीं रोक पाए और उन्होंने हिप्पो पर हमला बोल दिया। अब यहां पर बेचारा हिप्पो भागे तो भागे कैसे? एक शेर उसके पीठ पर चढ़कर उसे नोच रहा है तो दूसरा नीचे रहकर। देखते ही देखते शेरों के कुछ और साथी आ जाते हैं और हिप्पो को अपने नुकीले पंजों और दांतों से घायल करने लगते हैं। जबकि हिप्पो जमीन पर पड़े रहने और दर्द को सहने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है। ये सिलसिला यहीं नहीं समाप्त होता, बल्कि अलग अलग वीडियो क्लिप में ये शेर हिप्पो को नोचते हुए नजर आ रहे हैं। हिप्पो के भारी भरकम शरीर का अगर उसे फायदा होता है तो साथ ही नुकसान भी झेलना पड़ता है, क्योंकि बड़े आकार का होने के नाते वह तेज भाग नहीं सकता और अपनी कम गति के चलते आसानी से दोबारा दुश्मन के चंगुल में फंस सकता है। ठीक उसी तरह इन खूंखार जंगली शिकारियों के बीच फंसा ये हिप्पो भी हेल्पलेस है और इसका कोई मदद भी करने वाला नहीं है। काफी समय तक शेरों का ये झुंड हिप्पो को नोचता रहता है और ये काफी कोशिश भी करते हैं कि इसकी जान चली जाए, इसके बाद इन्हें इसे खाकर पेट भरने का मौका मिल जाए। हालांकि अंजाम देखने से पहले ही ये वीडियो क्लिप समाप्त हो जाती है, लेकिन इनके बीच की लड़ाई अभी भी जारी है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो क्लिप में भी इस भारी भरकम शरीर वाले हिप्पो के पीछे शेर पड़ गया है। हालांकि यहाँ पर फिलहाल के लिए अपने बड़े आकार की वजह से ही इस हिप्पो को फायदा मिल रहा है। ये काफी समय से अपना बचाव करता है और साथ में ही अपने दुश्मनों को सबक सिखाने की कोशिश भी करता है। वहीं पर इस वीडियो क्लिप में दिख रहा ये घायल शेर काफी जख्मी और सहमा हुआ नजर आ रहा है। वैसे इसकी हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं, बल्कि एक हिप्पो ही है। वो अलग बात है कि वो नजारा आपने नहीं देखा, लेकिन इस शेर की मृत्यु का कारण वो बड़े आकार वाला हिप्पो ही है। वैसे शेर के लिए काफी बुरा लग रहा है। हालांकि इससे एक बात जरूर सीखनी चाहिए कि कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, फिर चाहे वो कमजोर हो या फिर नहीं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े तो जंगल में जानवरों के बीच होने वाला युद्ध कभी समाप्त होता ही नहीं है। किसी न किसी जानवर के बीच में नोक झोंक देखने को मिल ही जाते हैं, जिसका उदाहरण आप इस वीडियो क्लिप में देख ही सकते हैं, जहां पर जेब्रा का ये झुंड आराम के साथ घास चर रहा होता है। तभी खूंखार शेरों की नजर इन पर पड़ जाती है। कुछ देर के लिए तो जेब्रा का ये झुंड इस बात से अनजान होता है कि उन पर किसी शिकारी की नजर है, लेकिन उन्हें भी पता चल जाता है और वे सभी उस जगह से दूर भागने लगते हैं। हालांकि वे अपनी कोशिश में लगे रहते हैं और वहीं पर शेर भी उनका पीछा करने के लिए निकल पड़ते हैं। एक शेर और एक जेब्रा के दौड़ने की रफ्तार में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शेर कुछ देर में ही जेब्रा को पकड़ सकता है। फिलहाल के लिए दोनों में जद्दोजहद चलती रहती है और अभी तक किसी ने भी हार नहीं मानी है। आखिरकार अपनी गति का फायदा उठाते हुए
शेर जेब्रा को धर दबोचता है, लेकिन जेब्रा भी कम ताकतवर और फुर्तीला नहीं है। शेर के हमला करने के बाद भी जेब्रा रुकता नहीं और भागते रहता है। वहीं शेर उसकी गर्दन को पकड़कर रखा रहता है। हालांकि ये नजारा काफी खतरनाक है, क्योंकि शेर के नुकीले दांत से और जेब्रा के लगातार भागने की वजह से उसका गर्दन टूट भी सकता है। लेकिन इसकी परवाह किए बिना ही जेब्रा शेर को घसीटते हुए लेकर आगे बढ़ता रहता है। वैसे यहां पर शेर की हिम्मत को भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि इसे भी काफी चोट लग रही होगी। कुछ समय बाद जब जेब्रा थक जाता है, तब जाकर शेर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। घायल होने के बावजूद भी जेब्रा हार नहीं मानता और शेर की पकड़ से भागने की पूरी कोशिश करता है, जिसमें वो कुछ देर के लिए सफल भी हो जाता है। पर शेर तो शेर है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानता। काफी देर तक इनके बीच भयंकर युद्ध जैसा माहौल बना रहता है और दोनों में से कौन किस पर भारी पड़ा ये देखने से पहले ही वीडियो क्लिप समाप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों, जेब्रा और शेर के बीच का ये युद्ध यही नहीं समाप्त होता। इस वीडियो क्लिप में भी शेर और जेब्रा आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं और जेब्रा इस लड़ाई में बुरी तरह जख्मी हो जाता है। काफी देर से वह शेर की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश में लगा रहता है। हालांकि कुछ देर में जेब्रा का पूरा झुंड आ जाता है और ये जेब्रा भी झुंड में मिल जाता है। वहीं अगले ही क्लिप में जेब्रा का पूरा झुंड जंगल के उस पार जाने का फैसला कर लेता है और इस नदी को पार करने लगता है। लेकिन नदी में भी कम खतरा नहीं है। यहाँ पर ये खतरनाक मगरमच्छ ऐसे ही किसी शिकारी का इंतजार कर रहे होते हैं। फिलहाल के लिए किसी तरह ये झुंड पानी से होते हुए और मगरमच्छ से बचते हुए नदी को पार कर लेता है और एक राहत की सांस लेता है। हालांकि वही झुंड जब दूसरी नदी को पार करता है, तब उसके लिए काफी मुश्किल भरा होता है, क्योंकि इस बार उनकी मुलाकात मगरमच्छों से हो ही जाती है। जेब्रा का ये झुंड अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश में रहता है, लेकिन झुंड से एक साथी मगरमच्छ की पकड़ में आ जाता है और बेचारा गर्दन पर पकड़ने की वजह से कुछ कर भी नहीं पाता है। इतना प्रयास करने के बाद भी जेब्रा उसकी पकड़ से छूट नहीं पाता और इसी तरह अकेले ही अपनी जान बचाने की कोशिश में लगा रहता है। कुछ देर बाद जाकर जब वो अपनी पूरी ताकत लगाता है, तब मगरमच्छ उसे छोड़ता है। लेकिन जेब्रा काफी घायल हो जाता है और उसकी टांग पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। बहरहाल वीडियो में आगे बढ़े तो पानी पीने और ठंड पानी का आनंद लेने के लिए शेरों का ये झुंड इस तालाब के किनारे आकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर तक तो ये सभी पानी पीकर अपनी प्यास को बुझाते हैं और उसके बाद उनमें से एक शेर पानी के भीतर चला जाता है। हालांकि वो इस बात से अनजान है कि पानी में उसके लिए घुसना खतरे से खाली नहीं है। इधर शेर के पानी में घुसते ही मगरमच्छ एक्टिव हो जाते हैं। अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि मगरमच्छ भारी पड़ेगा या फिर शेर। वहीं झुंड के अन्य साथी भी पानी में घुसने की मूड में लग रहे हैं। कुछ देर बाद सभी पानी के अंदर चले भी जाते हैं। हालांकि पानी में घुसना इनका मकसद नहीं था, बल्कि तालाब के उस पार जाकर अपनी माँ से मिलना इनका मकसद था। खैर, अभी तक शेर और मगरमच्छ के बीच टकराव देखने को नहीं मिला है और शायद ये दोनों कभी आपस में भिड़े ही नहीं। वहीं पर दूसरी वीडियो क्लिप में ये साफ दिखाई दे रहा है कि पानी से बाहर आए इस मगरमच्छ को शेर छेड़ने का प्रयास करता है और मगरमच्छ उसे ऐसा करने से रोकता है। हालांकि इसके बाद शेर दोबारा फिर ऐसा नहीं करता और यहीं पर ये छोटी सी क्लिप भी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, जंगल के हर एक जानवर अपने आप में काफी खतरनाक होता है, फिर चाहे वह छोटे आकार का हो या फिर बड़े आकार का। यहाँ पर एक बार फिर हम हिप्पो की बात करने वाले हैं, क्योंकि हिप्पो को किसी भी जानवर के लिए मारना
इतना आसान नहीं। पानी में आराम कर रहे इस हिप्पो को देखिए, जो दिखने में एक भैंसे की बराबर है, जबकि जंगली कुत्तों का ये झुंड तालाब के किनारे खड़ा होकर इसके बाहर आने का इंतजार कर रहा है। ये जंगली कुत्ते इतने खतरनाक होते हैं कि किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं, फिर चाहे वो कोई भी जानवर क्यों ना हो। अगर कोई इंसान इनके बीच फंस गया तो ये उसे कच्चा चबा जाएंगे। अक्सर वे झुंड में ही हमला करते हैं, जैसे कि यहाँ पर शेर पर। बेचारा शेर भी काफी हैरान लग रहा है, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि अचानक इतने सारे कुत्ते आकर इसे घेर लेंगे। वहीं इस वीडियो क्लिप के समाप्त होने के बाद इस क्लिप में कुत्तों का ये झुंड लकड़बग्घे के ऊपर हमला करते हुए दिखाई दे रहा है। सेम उस शेर की ही तरह इस लकड़बग्घे को भी कुछ समझ नहीं आया कि कुत्तों का ये झुंड कब उसके ऊपर आकर हमला बोल दिया। ये कुत्ते यही नहीं रुकते, झुंड बनाकर ये इस भैंस को भी नोचने लगते हैं, और कुछ देर के बाद इस वाइल्ड बोर को इसके बिल से निकाल कर उसे घायल करने लगते हैं। बेचारा वाइल्ड बोर अकेले होने की वजह से कुछ नहीं कर पा रहा है और ये उसके शरीर को नोचने लगते हैं। वाइल्ड बोर काफी बुरी तरह जख्मी हो गया है। वैसे ये कुत्ते अपने झुंड का फायदा उठाते हुए किसी भी जानवर की परेशानी बढ़ाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। खैर, आप इन जंगली कुत्तों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।